दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी दे चोणा बड़ी छेती आने वाली ने, रोज़ बैठक हो रही ने, रोज़ नवे ऐलान हो रहे ने। मनजीत सिंह जीके की पार्टी जागो पार्टी ने एक बड़ा ऐलान किया है कि हुण सारिया सीटा 46 सीटा ने पूरी दिल्ली दे विच उन्होंने लेडीज़ नूं टिकटा दे देंगे। आखिरी दे विच क्या क्राइटीरिया किस तरह होएगा, मेरे नाल गलबात करन नूं मनजीत सिंह जीके खुद मौजूद ने। जीके साहब, सारिया सीटा लेडीज़ लड़नगियां? मैं जिहड़ा ऐलान किया, मैं ऐलान ये किया कि सानू ये कहा जा रहा, कोई कह रहा 33% कोटा कर दिओ, कोई 20% कर दिओ, कोई 50% कर दिओ, साडा कोई कोटा नहीं। अगर 46 सीटा तो मेरे को जितने वाली लेडीज़ जिहड़ियां इंट्रस्टिड ने और जिन्हां दी अपनी पकड़ है इलाकियां दे विच, मैं वह भी उन्होंने मौका देने वास्ते तैयार हाँ। मैं समझदा कि जिहड़ी धर्म है ना, ये धर्म माता दे कोलों बच्चियां दे विच जांदा है, तो जे बीबियां इस पासे रुझान करन तो मैं उन्होंने खुले दिल नाल मौका देंगा कि वह इस राजनीति दे विच आण। इस तो इलावा बीबियां तो इलावा मैं समझदा वा कि नौजवान चेहरे इस वारी ज़्यादा देखण नूं तुहानूं मिलणगे। पुराने जिहड़े सिटिंग ने वो तकरीबन मेरी पार्टी दे विच कोई एवें 5-7 पैसे आ जाण ते आ जाण, लेकिन वो सारे तकरीबन नवे चेहरे होणगे। इस तो इलावा मैं समझदा वा कि क्योंकि ये धार्मिक पार्टी है, साड़ी पार्टी जो जेड़ा गुरुद्वारा कमेटी लड़ेगा वो ना कोई MLC या कॉरपोरेशन या MLA वो किसी किस्म की कोई इलेक्शन नहीं लड़ सकता, उदा धार्मिक रुझान होना बड़ा लाजमी है, उसकी पकड़ जेड़ी है अपने इतिहास नाल होनी जरूरी है। और खुशी की गल ये है कि जिदा सानू चोन निशान किताब मिलिया है वो किताब रेलीवेंट है साढ़े नाल, क्योंकि असी गुरु शब्द नाल जुड़न की गल करते हैं, उस लई किताब चाहिए है। असी एजुकेशन IAS IPS की गल करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं अपने सिख बच्चों को, किताब चाहिए है। जे असी इतिहास की गल करते हैं उदे वास्ते किताब चाहिए है। जे 1984 की जंग लड़नी होवे सरकारां तो मसले हल करने होण तो फिर किताब चाहिए, एजुकेशन चाहिए है। सो मैं समझदा कि गुरु ने जिहड़ा सानू सिंबल दिता वो बड़ा रेलीवेंट दिता। फिर तुसी कित्थों लड़ोगे तुहाडी सीट ते? अगर मेरे को 46 लेडीज़ आ जाण, मैं समझदा वा लास्ट टाइम साढ़े को एक भी लेडी ऐसी नहीं आई जिहड़ी इलैक्शन लड़ सकती होवे। जो 2017 की इलैक्शन हुई सी तां मैं कोऑप्ट कीती सी, साढ़े को दो ऑप्शन भी आंदियां ने। सो इस करके 46 नहीं आणगियां, लेकिन मैं समझदा 10 आ जाण, 15 आ जाण, 20 आ जाण, मैं मौका देने वास्ते तैयार हाँ। जिन्हियां आ जाण मैं मौका देने लई तैयार हाँ। कोई उन्होंने उत्ते बार नहीं, कोई उन्होंने उत्ते लिमिट नहीं। जितण वाली आई कि उन्होंने बच्चों पैशन होए चीज़ा हो, बैकग्राउंड होर क्या चीज़ा उन्होंने रखी, क्राइटीरिया रखा जाएगा थोड़े वालों? देखो क्राइटीरिया तो एको है कि उन्होंने अपने इलाकों पकड़ होनी चाहिए है, धर्म प्रति उन्होंने परिपक्वता चाहिए है, इतिहास प्रति उन्होंने ज्ञान चाहिए है। और जिदा मैं तुहानू आख्या कि नवे चेहरे असी लैके आवेंगे, यंग चेहरे असी लैके आवेंगे, लेकिन तीन गल्लां बड़ियां जरूरी है, धर्म, अपनी विरासत और कमिटमेंट, जिहड़ी लोकां दे विच उन्हां दी ज्ञाति है, ख्याति है, उस नूं जरूर नज़रिए रखिया। एक सिर्फ लेडीज़ वास्ते नहीं, जिहड़े नूं भी टिकट देंगे असीं उन्हां वास्ते कंडीशन रखांगे। चोणां होण वालियां ने, उहदे विच बैठक भी हुई है पिछे, उहदे विच कहा कि सॉफ्टवेयर बनाया जाएगा उन्हां दे, किस तरह वो बनना है, सारे इलैक्टोरल प्रोसैस किदा होनी है, तो भी राय मंगी गई थोड़े वालों की गया? देखो पहली तो गल चोणा दा बिगल वजन तो बाद जिस तरीके नाल साडे इत्थे जॉइनिंग हो रही है हर रोज़ किते ना किते, मतलब वेस्ट दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली, साउथ दिल्ली, ईस्ट दिल्ली, सब पासे हो रही है, लेकिन एक प्रोसैस बड़ा औखा है इलेक्शन कमीशन वास्ते, वो प्रोसैस हैगा कि चोणा बनाउण दा। कारण की है, लॉकडाउन करके अज असी भी दूर दूर बैठे हाँ, मूँह तो मास्क बने ने, कोई अपने घर किसी नूं जान नहीं दिंदा, त्यौहार आ रहे ने वड्डे तो वड्डे, छोटे तो छोटे, हरेक धर्मां दे लोक ना गुरुद्वारिया च, ना मंदिरां, ना मसीतां दे विच जा रहे ने। मैं समझदा वा कि ऑनलाइन असी उसना नूं दित्ती सीगी कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ऑफ वोट शुरू करो, उहदे बाद वेरीफाई करियां जाण। इलेक्शन कमीशन ने यह सानू आख्या कि वो जिहड़ी MLA दी वोटा लिस्ट, वोटर लिस्ट ने, उहदे विचों वोट्स कढ़णगे और उस नूं भी वेरीफाई करनगे। सो मैं समझदा कि यह काम औखा जरूर है। इलेक्शन साडी ड्यू सी 2021 फरवरी दे विच, पर मैनूं लगता है कि अप्रैल मई दे विच इलेक्शन जरूर होण च कामयाब होएगी, क्योंकि इलेक्शन कमीशन और जिहड़ा मिनिस्टर कंसर्नड है मिस्टर गौतम, वह काफ़ी मैनूं नज़र आ रहे हैं कि इंट्रस्टिड ने कि असी टाइम सिर इलेक्शन करानी है और ज
जिन्हों कहते हैं कि जिदा बाहरों आके कोई वोटा पा जाए सारे प्रोसैस में ऐसे तरीके सिक्काबंद किया जाएगा। और एक चीज़ होर कि आम आदमी पार्टी ने अपने विधायकों की एक कमेटी भी बनाई है जी सारी चीज़ को सुपरवाइज कर रही है, जिसते मैं समझदा कि कन्वीनर शायद उन्होंने मिस्टर सानी ने जेडे चांदनी चौक तो MLA ने उन्होंने बनाया। सो मैं समझदा वा कि आम आदमी पार्टी की सरकार काफ़ी सीरीयस है। वो सीरीयसनैस इस करके भी है कि उन्होंने पता है कि अकाली दल का स्कोप इतने नहीं है दिल्ली के जितन दे, और अगर अकाली दल दिल्ली तो हारदा तो SGPC पंजाब भी हारेगा, और जे SGPC पंजाब हारदा तो बादल दल जिहड़ा हैगा मैं समझदा कि ये अपने खात्मे वाले पासे नू जा रहा है पोलिटिकली, और आम आदमी नू उहदी एडवांटेज होएगी। सो आम आदमी जिहड़ी इंट्रस्टिड है इलेक्शन पार्टी की गल हुई है, ये भी गल आ रही है कि पंथक दल जो आम आदमी पार्टी का सपोर्टिव है वो भी एक्टिव होएगा चुनाव दे चुनाव लड़नगे, हालांकि ऑफिशियली ऐलान नहीं आए पर गल्लां निकल रही ने। मैं समझदा कि उन्होंने पार्टी बनाई हुई है रैकोगनाइज पार्टी है, मैं जो सिंबल मिले मैं 6वीं पार्टी है जी रैकोगनाइज हुई है, आम आदमी पार्टी पिछले चुनाव च भी लड़े सी। सो उन्हों का अपना फैसला अगर वो लड़ना चाहते जरूर आन मैदान के भी अपने हाथ जमाने चाहिए है। मेरा मनजीत जी के जिन्होंने ऐलान किया है कि लेडीज़ जिन्हें भी ने अगर वो कैपेबल ने तो सारिया सीटा उन्होंने टिकट दी जाएगी। दिल्ली तो कैमरामैन लक्ष्मण नितिन धीमान दैनिक सवेरा TV। क्या है परेशान, क्या आपकी समस्या का हल नहीं हो पा रहा तो निराश ना हो। 17 बार गोल्ड मेडलिस्ट मियार रफीक मोहम्मद जिनके पास है आपकी हर समस्या का हल, चाहे वो बिजनेस से रिलेटेड हो या फिर हो करियर से रिलेटेड या फिर हो लव रिलेशनशिप, आपकी समस्या का हल होगा 31 घंटों में। फिर देर किस बात की, स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स के ऊपर कॉल करो और अपनी समस्या का हल जल्द से जल्द पाए। सियासत व्यापार धर्म ते फिल्म जगत दे नाल हुन कैनेडा ते अमेरिका दी हर वट्टी खबर दे लई हुने डाउनलोड करो देश दी नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।